वज़ीर आज़म कहते हैं मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में अमन का क्याम नामुमकिन है। पाक फिजाया की पासिंग आउट परेड से खताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पास आउट होने वाले तमाम कैडेट्स को मुबारकबाद देता हूँ, कैडेट्स के वालिदैन को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक फिजाया ने किसी भी चैलेंज में मुल्क का नाम रोशन किया। पाक फिजाया बेहतरीन पेशा वराना सलाहतों की वजह से दुनिया भर में नुमाया है। यकीन है कि मुसलह फौज हमेशा कौम की मांगों के मुताबिक सलाहतों का मुजाहरा करती रहेगी। शहबाज शरीफ का कहना था कि इस वक्त दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों समेत बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान को मौशी चैलेंजेस का सामना है। यकीन दिलाता हूँ मौशियत को मुस्तकम करने के लिए हर कोशिश की जाएगी और जल्द मुल्क के मौशी हालात बेहतर होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम मुल्कों से दो तरफा मफादात की बुनियाद पर मुस्बत ताल्लुकात चाहते हैं। मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में अमन का क्याम नामुमकिन है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत ने अगस्त 2019 से कश्मीर को जेल में तब्दील कर रखा है। वज़ीर आज़म का कहना था कि खत्म में अमन के लिए हम सारे मुल्कों के साथ मिलकर कोशिश जारी रखेंगे, जबकि कयाम अमन की हमारी ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की पेशी पर अदालती फाइल की गुमशुदगी का मामला निपटा दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अगर लीडर अदालत में पेश होते हैं और कौनान आते हैं और कुछ हो जाता है तो ये तोहीने अदालत नहीं, अगर मैं नोटिस भी कर लूं तो तोहीने अदालत की कार्रवाई कैसे करूंगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में हंगामा आरई केस में इमरान खान के खिलाफ दायर असिस्टेंट कमिश्नर की तोहीने अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने दलाइल देते हुए कहा कि समाअत का मुकाम भी उनकी ख्वाहिश के मुताबिक तब्दील किया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी को सियासतबाद से रोक दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क दिए कि ख्वाजा हारिस ने कोई सियासी बात नहीं की, आप भी अपने अल्फाज के चुनाव में मोहतात रहें। उस रोज तोड़फोड़ तो हुई मगर जिम्मेदार कौन है, जिस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि तोड़फोड़ करने वाले सब लोग पीटीआई के थे, ट्वीट्स मौजूद हैं, लोगों को वहाँ बाकायदा बुलाया गया था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि लोग तो अपने लीडर को सपोर्ट करने आ जाते हैं, एक लीडर है उसकी फॉलोइंग है, लोग तो आ जाते हैं ये दिखाएं कि क्या कहें, लोगों की तोड़फोड़ के लिए उकसाया गया, तोड़फोड़ की वीडियोस हैं मगर तोहीन अदालत में कैसे तय हुआ नहीं किसी ने कहा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आईजी की रिपोर्ट देखकर दोबारा माफनत करें, एक हजूम जहां हो उसका एक माइंड सेट तो होता नहीं। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में हुए। वफाकी हुकूमत और तहरीक इंसाफ इंतखाबी तारीख पर लचक दिखाने को तैयार हैं। वफाकी हुकूमत की तरफ से सितंबर में एक साथ इलेक्शन कराने पर नीम रजामंदी जाहिर की गई, जबकि तहरीक इंसाफ ने ज्यादा से ज्यादा जुलाई में इलेक्शन कराने का मुतालबा किया। ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ कमेटी ने अपनी डिमांड हुकूमत के सामने रखी और वफाकी हुकूमत की कमेटी अपनी तजावीज़ आज पीटीआई के सामने रखेगी, जबकि वफाकी की हुकूमत की कमेटी ने लीडरशिप से मुशावरत का वक्त मांगा है। ज़राए के मुताबिक फवाद चौधरी ने इलेक्शन आगे कराने के लिए आयन में तरमीम की तजवीज़ दी और राय दी कि असम्बली कबल इस वक्त टूटने पर इलेक्शन के लिए आयन में तरमीम लाजमी होगी। आयन में तरमीम के बगैर इलेक्शन कराने से गलत रवायत पैदा होगी, इसलिए तरमीम के बगैर इलेक्शन करा दिए तो मुस्तकबिल में कभी इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। ज़राए ने बताया कि पी पी अरकान ने इलेक्शन के लिए फवाद चौधरी की आयनी तरमीम की तजवीज़ की हिमायत की। ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने हफ्ते तक कमेटी की कार्रवाई मुकम्मल करने का मुतालबा किया क्योंकि पीटीआई कमेटी के जरिए मामले को तूल देना नहीं चाहती, जबकि पीटीआई की तजावीज पर वफाकी हुकूमत की कमेटी आज मौकफ देगी। नवाज शरीफ कहते हैं पीटीआई की डिमांड का कोई सर पाँव नहीं होता। नवाज शरीफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात में पेश तहरीक इंसाफ की तीन शरायत पर रद्दमल में कहा कि पीटीआई की डिमांड गुज़श्ता 20 बरस से सबके सामने है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि तहरीक इंसाफ की डिमांड का कोई सर पाँव नहीं होता। नवाज शरीफ का कहना था कि उम्रे के मौके पर पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं की, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमती वफद के सामने तीन शरायत रखी गई हैं, जिनमें कहा गया कि रवां साल मई में कौमी असम्बली और दोनों सूबाई असम्बलियाँ तहलील की जाएं, 14 मई के अलावा एक साथ इंतखाबात के लिए आयन में तरमीम की जाए, आयनी तरमीम के लिए तहरीक इंसाफ के इस्तीफे वापस लेने होंगे। पंजाब और केपी इंतखाबात के लिए फंड्स नहीं मिले, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से फंड्स अफराहमे से मुतालिक रिपोर्ट गुज़श्ता रात जमा करवाई गई। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन की दो सफ़ात की पेशरफ्त रिपोर्ट में फंड्स ना मिलने का बताया गया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया कि इंतखाबात के लिए फंड्स नहीं मिल सके। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने फंड्स से मुतालिक रिपोर्ट के लिए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया था।